हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू लिम्स, लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। आई एम सुंदस खान, योर लेक्चरर फॉर द कोर्स ऑफ ड्रामा। लेक्चर ओके, हमने पहले जो है वो फॉस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो पढ़ लिया। फॉस्टस के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ थी, कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वो जो है वो अपने डूम से डूम तक पहुंचता है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और वो जो है रिपेंटेंस जो है वो भी नहीं करता एंड टाइम तक, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर फॉस्टस एज अ रिनाइसेंस हीरो के कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि डॉक्टर फॉस्टस को रिनाइसेंस हीरो बनाती हैं, क्योंकि ये जो फॉस्टस का प्ले है जो इसके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि फॉस्टस को और इस प्ले को एज अ रिनाइसेंस हीरो जो है वो प्रिडिक्ट करता है, मींस के प्रमोट करता है कि हाँ जी डॉक्टर फॉस्टस जो था ये एक रिनाइसेंस हीरो था। अब हम देखेंगे कि रिनाइसेंस की कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो कि डॉक्टर फॉस्टस में हमें मिल रही हैं, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, देन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डॉक्टर फॉस्टस के हमें अंदर हमें नज़र आती हैं। नंबर फर्स्ट है ह्यूज थर्स्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टस के अंदर जिस तरह के आप लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि फॉस्टस जो है वो कंटिन्यूस सर्च में था नॉलेज की, ठीक है। उसकी कोशिश थी कि उसको न्यू नॉलेज मिले, उसको नई चीज़ें पता लगे, उसको नॉलेज पता चले, उसको नॉलेज मिल जाए। वो ये होती है कि उसको नॉलेज मिले, उसको इन्फॉर्मेशन मिले, उसको ऐसी चीज़ें पता चले जो कि उसको पहले से पता नहीं होती, ठीक है। तो फॉस्टस के अंदर स्टार्टिंग से ही, जब से प्ले स्टार्ट होता है, हमें जो चीज़ दिखाई गई है, जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो है उसकी सर्च ऑफ नॉलेज या उसकी थर्स्ट ऑफ नॉलेज, उसकी जो प्यास है इल्म की वो बुझाए नहीं बुझ रही। मीन्स के उसको जो नॉलेज है वो जितना उसे नॉलेज मिल जाए वो उतना उस अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, ठीक है। नॉलेज के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है नॉलेज लेने के लिए, ठीक है ना। फिर राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म है, फॉस्टस किस तरह दूसरे जो कम्युनिटी है, दूसरे जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनसे किस तरह सेपरेट है, किस तरह फॉस्टस के अंदर एक इंडिविजुअलिज्म जागती है, किस तरह फॉस्टस जो है वो अपनी एक पहचान बनाता है, अपनी एक आप कह सकते हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन के लोगों के सामने आता है, एक इंसान बनकर लोगों के सामने सेपरेट इंसान। एक होता है ना मॉब, गुच्छा, क्लस्टर, जिसमें सब लोग एक जैसे होते हैं, सब लोग होते हैं साथ, और उनसे एक ही बंदा होता है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, और वो फॉस्टस था जो कि सबसे सेपरेट होता है, सबके नुमाया होता है जो कि। देन बात हुई है ह्यूमनिज्म की, बात हुई अगर तो अब हम बात करें ह्यूमनिज्म की कि ह्यूमनिज्म इट्सेल्फ क्या होती है, तो बेटा वो एक रेशनल आउटलुक होती है सिस्टम के ऊपर, या कि फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इम्पोर्टेंस देती है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप लोग रेशनली होकर हर चीज़ के बारे में सोचो, और ये जो है इम्पोर्टेंस, प्राइमरी इम्पोर्टेंस अटैच कर देती है ह्यूमन बींग्स के साथ, ह्यूमन बींग्स को ही प्राइमरी इम्पोर्टेंट बींग्स दिखाती है रेदर देन सुपर नेचुरल बींग्स और जो है डिवाइन जो होते हैं बींग्स उनसे। मीन्स के ह्यूमन बींग्स को ही सब कुछ दिखाते हैं ह्यूमनिज्म के अंदर, तमाम इंपॉर्टेंस जो है वो ह्यूमंस के साथ ही अटैच कर दी जाती है, सुपर नेचुरल के साथ नहीं, डिवाइन्स के साथ नहीं, ह्यूमंस को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दिखाई दी जाती है। और अगर हम ह्यूमनिज्म को ही रिनाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर फिर क्या दिखाया जाता है, इसके अंदर दिखाया जाता है कि जो लोग थे, जो राइटर्स थे स्पेशली, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दोबारा से जो है वो मिडिवल लिटरेचर से, मिडिवल स्कॉलर से वो टर्नड अवे हो गए थे और उन्होंने मूव किया था टूवर्ड्स एंशियंट और ग्रीक और रोमन थॉट्स की तरफ। मींस के वो जो है उन्होंने दोबारा से पुरानी चीज़ों की तरफ जो है वो एक रिवाइवल या रीबर्थ ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं, या रीबर्थ कह सकते हैं, कि दोबारा से ही एंशियंट ग्रीक और रोमन्स का जो लिटरेचर था और जो उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग था, उनका जो थीम सब्जेक्ट मैटर थी, उनका जो था वो रीबर्थ हुआ था, दोबारा से जो स्कॉलर्स थे वो उन्होंने उसको जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमनिज्म में क्या होता है, एक तो आपकी रैशनल थिंकिंग होती है और ह्यूमंस को प्राइम इंपॉर्टेंस अटैच कर दी जाती है, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली अगर हम इसे रिनाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर क्या होता है, फिर ये होता है कि जब ह्यूमनिज्म दिखाई जाती है रिनाइसेंस में, तो ये दिखाया जाता है कि जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने मिडिवल लिटरेचर से, या मिडिवल जो एक सब्जेक्ट मैटर था, जो मिडिवल स्टाइल ऑफ राइटिंग था, उससे जो है वो टर्नड अवे हो गए थे, दूर हो गए थे, और उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया था ग्रीक, रोमन, और जो आप कह सकते हैं
ग्रीक और रोमन जो कल्चर था, जो लिटरेचर था, उनको उन्होंने दोबारा से कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। जो एंशंट कल्चर था उसको उन्होंने दोबारा से कॉपी करना स्टार्ट किया था, उसी स्टाइल को दोबारा से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें जो हम रिनाइसेंस स्पिरिट की बात कर रहे हैं या रिनाइसेंस के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें रिवोल्ट दिखाया गया है अगेंस्ट चर्च और पॉप के, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिनाइसेंस थी उसमें जो है वो चर्च और पॉप के अगेंस्ट जो है लोग वो खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें नॉलेज मिलने लग गया था, तो वो सवालात करने लग गए थे चर्च से रिगार्डिंग और पॉप से रिगार्डिंग। जो इनकी अथॉरिटी थी, जो इनकी बातें थी, उनके ऊपर जो है सवालात उठने लग गए थे, और लोग जो है उन्होंने इनके खिलाफ जो है आप कह सकते हैं अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अप्रिशिएट ब्यूटी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, और क्या थी एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट थी वो ये थी कि ये जो रिनाइसेंस के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो ब्यूटी और आर्ट को अप्रिशिएट करते थे। उन्हें ये चीज़ आ गई थी कि आपने ब्यूटी और आर्ट को किस तरह से जो है वो अप्रिशिएट करना है, किस तरह से आपने उन लोगों को इन दोनों चीज़ों को जो है वो आपने इनको मीन्स के एक्सेप्ट कैसे करना है, आपने इन्हें अप्रिशिएट कैसे करना है, इनकी तारीफ किस तरह से करनी है, इनका फ़ायदा किस तरह से उठाना है, इनको यूज़ किस तरह से करना है। ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स को जो है वो रिनाइसेंस का हीरो या रिनाइसेंस हीरो जो है वो बनाती हैं, कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर भी हैं और जो रिनाइसेंस हीरो हैं उनके अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर क्या था, डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर जो थी ह्यूज थर्स्ट ऑफ नॉलेज थी, जो कि इसकी एक अहम करेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है ना। यानी कि नॉलेज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, नॉलेज को अचीव करने के लिए, किस हासिल करने के लिए वो कोई भी काम कर सकता था, किसी भी हद तक जो है वो जा सकता था इल्म हासिल करने के लिए। जो उसके पास नॉलेज था, जो उसके पास इल्म था, उसमें इजाफा करने के लिए वो कोई भी काम कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था, ठीक है ना। वो हर लिमिट क्रॉस कर सकता था उस नॉलेज को हासिल करने के लिए जो उसके पास नहीं था, और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, जितना उसके पास था उसको वो इंक्रीज़ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, कोई भी काम कर सकता था। वही बात है कि वो जो है वो नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहता था बाय हुक और बाय क्रुक, सही तरीके से या गलत तरीके से, लेकिन वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता था, वो हर चीज़ के बारे में क्यूरियस था, वो हर चीज़ को जानना चाहता था, ठीक है ना। अब वो ये सब कुछ क्यों चाहता था, बिकॉज ही बिलीव्स इट विल मेक हिम अ माइटी गॉड, ठीक है। देखें, आपको मैंने पहले भी बताया है कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो था वो क्या करता था, वो चाहता था कि उसको स्टार्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो, उसको हेवंस के बारे में, हेल के बारे में, उसको ये अर्थ किस तरह से बना इसके बारे में, उसको हर चीज़ के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। वो चाहता था कि उसे हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, और वो मेफिस्टोफेलीज से पहले यही डिमांड करता है कि नॉलेज हो उसके पास, हर चीज़ का नॉलेज हो, हर चीज़ उसे पता हो, ठीक है ना। तो वो नॉलेज अटेन करना चाहता है, हर चीज़ का नॉलेज वो जानना चाहता है कि हर चीज़ जो है वो कैसे है, कहाँ है, किस तरह से है, क्यों है। और वो ये क्यों चाहता था, क्योंकि वो जो है नॉलेज जब होता है ना आपके पास, तो आप अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। और फॉस्टर्स के साथ यही था, फॉस्टर्स को लगता था जितना उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना वो ज़्यादा जानता होगा किसी चीज़ को, वो उतना ही अपने आप को सुपीरियर फील करेगा। और जब वो सुपीरियर फील करेगा तो वो अपने आप को सुपीरियर फील करवा के क्या चाहता था, वो सुपीरियर फील करवा के अपने आप को गॉड बनाना चाहता था, अ माइटी गॉड। क्योंकि हर चीज़ का नॉलेज जो होता है वो गॉड के पास ही होता है, कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हुआ, कहाँ हुआ। इसके अलावा भी जो हेवंस, अर्थ और हेल, इन तमाम चीज़ों का जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो गॉड के पास ही है। तो फॉस्टर्स भी इन तमाम चीज़ों की नॉलेज अपने पास रखता था, ये चाहता था कि हर चीज़ की नॉलेज उसके पास हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को गॉड बनाना चाहता था, ठीक है ना। टू बी अ रिनाइसेंस अ स्कॉलर नीड ह्यूज थर्स्ट फॉर नॉलेज, और क्या चीज़ है जो इसको रिनाइसेंस हीरो बनाती है, वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो कि रिनाइसेंस के जो स्कॉलर्स थे उनके अंदर थी, वो यही थी कि उनके अंदर भी नॉलेज हासिल करने का एक एम्बिशन होता था, नॉलेज हासिल करने का एक आप कह सकते हैं कि उनका एक एम होता था, कि उन लोगों ने जो है किसी भी हद तक जाना है, उन्होंने न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, न्यू जितने भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में, वो क्यों हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, ये जानना है हर चीज़ के बारे में। जो भी उनके इर्द गिर्द चीज़ें होती थी, जो भी उनके इर्द गिर्द कोई काम हो रहा होता था, कोई नेचुरल फिनोमेना ही अगर कोई हो रहा होता था, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यूरियस होते थे उसके बारे में। और हमारे जो फॉस्टर्स हैं उनका भी यही काम था कि वो हर चीज़ जानना चाहते थे, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। इसीलिए हम फॉस्टर्स को जो है वो
रिनाइसेंस हीरो जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स अ वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर, आप उनके नाम के साथ देखें, उनके नाम के साथ ही अटैच है, डॉक्टर फॉस्टर्स अ वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर, यानी कि वो जो थे वो स्कॉलर थे, उनके नाम के साथ ही अटैच है फॉस्टर्स के, कि वो एक स्कॉलर थे। ग्रोज डिससेटिस्फाइड विद द लिमिट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, अब क्या होता है फॉस्टर्स जो होते हैं वो जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज थी, जो कि लॉजिक है, मेडिसिन है, लॉ है, रिलीजन है, फिलॉसफी है, जो भी इसके अलावा जो जितनी भी नॉर्मल और ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हैं, फॉस्टर्स जो था इन सब से फॉस्टर्स जो है वो तंग आ चुका था, फॉस्टर्स जो है वो इन सब से हैप्पी नहीं था, फॉस्टर्स आप कह सकते हैं कि इन सब से जो था वो डिससेटिस्फाइड हो गया था, क्योंकि वो जो था वो नई चीज़ें जानना चाहता था, वो नई थिंग्स को, नए फिनोमेना को एक्सप्लोर करना चाहता था। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज थी, जो ट्रेडिशंस थी, जो नॉलेज पहले से चला आ रहा था, जिनके बारे में पहले ही रिसर्च हो चुकी थी, फॉस्टर्स उनसे तंग आ गया था, डिससेटिस्फाइड था, वो उससे खुश नहीं था, वो कुछ नया काम करना चाहता था, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड डिसाइड्स दैट ही वॉन्ट्स टू लर्न टू प्रैक्टिस मैजिक, और फिर वो अपने लिए जो है एक नई चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, एक नया काम जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, और वो काम होता है नेक्रोमेंसी, जो कि है मैजिक की प्रैक्टिस, जो कि है मैजिक को लर्न करना। आप देखें ना, ये भी तो एक रिनाइसेंस एलिमेंट है कि आप एक नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, वो मैजिक है, और बेशक बाद में फॉस्टर्स जो है वो उसको रिपेंट नहीं करता और वो गलत साइड चला जाता है, अपना जो उसका एक एम था नॉलेज को ऑब्टेन करने का उसको भूल जाता है, लेकिन फिलहाल जो स्टार्टिंग होती है फॉस्टर्स की वो अच्छी थी। फॉस्टर्स क्या चाह रहा था, नॉलेज को ऑब्टेन करना चाह रहा था, वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा था, और यही तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये हैं रिनाइसेंस की एलिमेंट्स, इसीलिए फॉस्टर्स को जो है वो रिनाइसेंस हीरो कहा जाता है या माना जाता है। दिस जिस सीन वन के मैंने आपको यहाँ पे जो है ये मैंने टेक्स्ट कोट किया हुआ है आपको, ताकि आपको पता लगे कि ये लाइंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ये देखें यहाँ पे फॉस्टर्स जो डिसीजन कर रहा है इन लाइंस में, वो जो है वो डिसीजन जो है वो अपना ले रहा है कि उसने अब नेक्रोमेंसी जो है वो स्टार्ट करनी है, अब वो बाकी सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज से तंग आ चुका है, और अब वो नेक्रोमेंसी जो है वो स्टार्ट करेगा, एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करेगा, एक नई चीज़ सीखेगा, और यही जो चीज़ है, यही जो करैक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स हैं रिनाइसेंस की। ही फर्स्ट कंसिडर्ड लॉजिक, कोटिंग द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, सबसे पहले वो जो है वो अरिस्टोटल को कंसिडर करता है, क्योंकि अरिस्टोटल जो है वो फिलोसोफर था, एक बहुत बड़ा ग्रीक फिलोसोफर था, लेकिन फिर क्या है कि वो बट नोट्स दैट डिस्प्यूटिंग वेल सीम्स टू बी द ओनली गोल ऑफ लॉजिक, मीन्स के फिर वो जो है वो क्या करता है कि फिर जब वो लॉजिक को कंसिडर कर रहा होता है तो वो उसको जो है फिर इग्नोर कर देता है, उस चीज़ को ड्रॉप कर देता है कि लॉजिक नहीं उसने करना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिंपल सी है, क्योंकि फॉस्टर्स को लग रहा होता है कि लॉजिक का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि डिस्प्यूट करना है, मींस कि आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना, तो उसे लग रहा होता है कि और फिलॉसफी का काम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, यही उसका वाहिद जो है वो गोल है, वही तो इस वजह से वो लॉजिक को ड्रॉप कर देता है एज अ सब्जेक्ट, जो है वो लॉजिक को ड्रॉप कर देता है कि नहीं मैंने ये नहीं पढ़ना, ठीक है। सिंस फॉस्टर्स डिबेटिंग स्किल्स आर ऑलरेडी गुड, क्यों, क्योंकि फॉस्टर्स के पास तो ऑलरेडी जो है वो आर्ग्यूमेंट्स की एबिलिटी जो थी वो मौजूद थी, फॉस्टर्स जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करता था, ऑलरेडी बहुत अच्छे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स वो जो है वो डिस्प्यूट्स जो है वो कैरी कर सकता था किसी के साथ, किसी अच्छे तरीके से वो जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उन तक पहुँचा सकता था, तो ये चीज़ फॉस्टर्स के पास ऑलरेडी मौजूद थी जो कि लॉजिक पढ़ के उसे आनी थी, तो वो इस चीज़ को ड्रॉप कर देता है कि लॉजिक नहीं पढ़नी उसने, ठीक है ना, वही बात है कि लॉजिक इज नॉट स्कॉलरली इनफ फॉर हिम, जो चीज़ उसे ऑलरेडी आती है वो वही चीज़ दोबारा क्यों सीखे, ठीक है ना। फिर वो कंसीडर करता है मेडिसिन को कि चले मैं जो हूँ मेडिसिन का आर्ट, डिफरेंट मेडिसन को, डिफरेंट डिजीज़ को किस तरह से जो है वो हम मैंने ट्रीट करना है वो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और इसमें वो नोट करता है, कोट करता है मीन्स के टेक्स्ट में, कि ग्रीक फिजिशियन था गैलन जो कि बहुत ही फेमस था, और डिसाइड करता है कि दैट मेडिसिन विद इट्स पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग मिराकुलस क्योर्स, फिर वो ये सोचता है कि चले मैं मेडिसिन को
एक्सेप्ट कर लेता हूँ या मैं मेडिसिन एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ फॉर फर्दर स्टडी एंड नॉलेज, लेकिन फिर वो इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर देता है. क्यों? क्योंकि वो कहता है नहीं, अभी फ़िलहाल वो सोच रहा है कि मैं मेडिसिन को जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ, कि मैं जो हूँ क्या करूँगा, मैं जो हूँ मिरेकुलस क्योर्स निकालूंगा, मीन्स कि मैं जो हूँ ऐसी चीज़ों को, ऐसी बीमारियों को जो है वो मैं उनका हल निकालूंगा, उनको क्योर करूँगा जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं की. मैं एक ऐसी अचीवमेंट, मिरेकुलस किस्म की, मतलब करिश्माती किस्म के जो है मैं बीमारियों का जो है वो इलाज करूँगा और मैं फिर उससे जो है अचीव करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा फेम और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इससे फेम मिलेगा आपको और इससे आपको मिलेगी मनी, वेल्थ मिलेगी आपको और इससे जो है आप कह सकते हैं कि आप नई चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं. इज़ द मोस्ट फ्रूटफुल परसूट. वो यही कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, अगर मैं मेडिसिन को फॉलो करूँ और उसके बाद जो है मैं जो हूँ एक जो करिश्माती किस्म के बीमारियों के इलाज जो है वो निकालूँ, तो मेरा जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद परस्यूट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मेरे लिए ये चीज़ है. लेकिन फिर वो नोटिस करता है, येट ही नोटिस, लेकिन फिर वो ये नोटिस करता है कि वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रेट है, रिनाउन है, डॉक्टर है ना, यानी कि वो इतना रिनाउन, इतना फेमस और इतना ज़्यादा लोग उसे जानते हैं ऑलरेडी जितना कि एक डॉक्टर को जानते हैं, ठीक है, दैट दिस फेम हैज़ नॉट ब्रॉट हिम सेटिस्फेक्शन. और यही चीज़ के डॉक्टर्स को जितना जानते हैं इतना ही उसे ऐसा स्कॉलर लोग जानते हैं, जितनी डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, जितना डॉक्टर की इज्जत करते हैं, उतना ही एज अ स्कॉलर फॉस्टर्स को लोग जानते भी हैं. फॉस्टर्स मतलब के वो आप कह सकते हैं फेमस भी है उतना ही, और फॉस्टर्स के पास उतनी वेल्थ भी है जितनी कि एक डॉक्टर के पास हो सकती है, और फॉस्टर्स जो है वो उतना ही जो है अचीवमेंट्स कर चुका हुआ है जितनी कि एक डॉक्टर कर सकता है. तो वो कहता है मैं इस चीज़ से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इस चीज़ से भी हैप्पी नहीं हूँ, मुझे ये भी चीज़ जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है. वो इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी वो एक किस्म का, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, या इन चीज़ों से वो वही अचीव करेगा जो वो ऑलरेडी अचीव, मीन्स कि इन चीज़ों से वो इतना ही हासिल कर सकता था जितना कि वो ऑलरेडी हासिल कर चुका है, जितना कि ऑलरेडी उसके पास मौजूद है. ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये इसके अलावा भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो कंसीडर करता है लर्न करने के लिए, वो तो ऑलरेडी उसको उतना ही मिल चुका है जितना कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ के उसे फेम मिलना था या वेल्थ मिलनी थी, वो ऑलरेडी उसके पास मौजूद है. ओके, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप ये डिस्कस करते हैं बेटा कि जो एक इंडिपेंडेंट सेल्फ होती है वो किस तरह की होनी चाहिए. ये इंसान को इंडिपेंडेंट जो होता है, एक इंसान होता है जो कि दूसरों से हट के होता है, जो अपनी मर्जी करता है, जो अपनी आप एक इंसान होता है ना जो कि जो जैसा हो रहा होता है बिल्कुल वैसा ही करता है, और एक इंसान वो होता है जो कहता है नहीं मैं डिफरेंट हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है तो मैं ये काम करूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप देखते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम जो हैं वो FSC में बायो रखें और उसके बाद हम मेडिकल करें. जितने भी इंटेलिजेंट, जितने भी जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यही कोशिश होती है. और इंडिविजुअलिज्म का यहाँ पर ये मकसद होता है कि आपके बेशक बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके बेशक आपको पता है कि आपका MBBS हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आप कोई सब्जेक्ट वो चूज़ करें जो कि आपकी नेचर के मुताबिक हो, जो कि आप लोग पसंद करें, जो कि आपको पता है कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तो आप वो सब्जेक्ट चूज करें, तो ये आपके इंडिविजुअलिज्म है. तो इसी तरह जो हमारा हीरो है डॉक्टर फॉस्टर्स, उन्होंने भी अपनी इंडिविजुअलिज्म जो है वो शो करवाई कि उन्होंने, अब हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिज्म जो है वो प्ले में आपको शो करवाई है. बिकॉज ऑफ हिज यूनिवर्सल डिज़ायर फॉर इनलाइटमेंट, ठीक है, सबसे पहले तो उनकी एक जो यूनिवर्सल डिज़ायर थी फॉर इनलाइटनमेंट. फॉस्टर्स क्या करते हैं, फॉस्टर्स जो हैं वो अपनी यूनिवर्सल डिज़ायर, अपनी यूनिवर्सल ख्वाहिश जो है वो शो करते हैं, और वो है इनलाइटनमेंट की. इनलाइटनमेंट का क्या मतलब है, इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि आपको जो है वो सब्जेक्ट और सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, या आपको ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज आप पोजेस करते हों या पोजेस करना चाहते हों. तो फॉस्टर्स ने अपनी यूनिवर्सल डिज़ायर फॉर इनलाइटनमेंट शो भी करवाई कि वो एक जो है वो पोजेस करना चाह रहे हैं, वो गेन करना चाह रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज, और उसके बाद उन्होंने वो चीज़ अचीव भी की, उन्होंने वाकई ही जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज जो है वो पोजेस किया, उसे गेन किया बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से, लेकिन उनका काम था नॉलेज गेन करना और उन्होंने नॉलेज गेन किया. फॉस्टर्स मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉलेज एंड पावर.
इसके अंदर क्या है, फॉस्टस ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट था, और बहुत ही जिसकी उन्हें बहुत ही जो है एक सज़ा भी बहुत ज़्यादा मिली। लेकिन उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया क्यों था, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों के लिए बनाया था, नॉलेज के लिए और पावर के लिए। पावर तो आ गई, लेकिन उनकी असल चीज़ जो थी वो नॉलेज गेन करना चाहते थे, वो चीज़ें जानना चाहते थे जो किसी को भी मालूम ना हो, ठीक है। तो उनका जो जो एक डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है ना कि उन्होंने वो काम किया। कौन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कितने आम लोगों को आप लोगों ने डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते देखते हैं, यही तो इनकी इंडिविजुअलिज्म है कि इन्होंने वो काम किए जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए, या अगर किसी ने किए होंगे तो वो कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक इंसान होगा जिसने वो काम किया होगा। His desire according to Renaissance is to transcend the limitations. वो क्या करना चाहते थे, limitations को cross करना चाहते थे। वो जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनकी desire थी, वो according to Renaissance, मतलब Renaissance को अगर हम देखें, अगर हम period of Renaissance देखें कि Renaissance में क्या होता है, कैसे होता है, अगर हम उस चीज़ को देखें तो उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो desire थी वो यही थी कि वो जो थे वो limitations जो थी उनको cross करना चाहते थे, ठीक है ना। वो जो है लिमिटलेस नॉलेज जो है वो हासिल करना चाहते थे, ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का भी, एंड राइज टुगेदर टू ग्रेटर अचीवमेंट्स एंड हाइट्स। और वो जो वो लिमिटेशंस हैं जिनको वो क्रॉस करना चाहते थे, वो नॉलेज थी, वो नॉलेज की लिमिटेशंस थी, वो ह्यूमैनिटी की लिमिटेशंस थी कि ह्यूमंस की रेंज में या ह्यूमंस की लिमिट में जो काम नहीं है वो काम करना चाहते थे, वो काम अचीव करना चाहते थे, वो काम पोजेस करना चाहते थे, ठीक है ना। और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे ग्रेटर अचीवमेंट्स, मीन्स के वो ज़्यादा अचीवमेंट, जो ज़्यादा चीज़ें हैं उन्हें हासिल करना चाहते थे, वो जो है वो ज़्यादा जो है वो हाइट पे ज़्यादा तरक्की करना चाहते थे, वो जो है वो तरक्की मीन्स के वो सक्सेसफुली और आप कह सकते हैं कि एफर्ट के साथ, स्किल के साथ, करेज के साथ वो हाइट्स अचीव करना चाहते थे, उन तरक्की की बुलंदियों पे जाना चाहते थे जिन पर उनसे पहले कोई इंसान नहीं गया। और इसी तरह वो ह्यूमैनिटी के लिमिटेशंस को भी क्रॉस करना चाहते थे कि ऐसी जगह पर, ऐसी मुकाम पर वो पहुँचना चाहते थे जहाँ पर इंसान आज तक नहीं पहुँचा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रिनाइसेंस व्यू, अब अगर हम रिनाइसेंस व्यू की बात करें तो फॉस्टस रिबेल्स अगेंस्ट द लिमिटेशंस ऑफ मेडिवल नॉलेज एंड द रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द ह्यूमन काइंड। यही वो चीज़ है जो फॉस्टस ने रिबेल की थी, जिसकी वजह से उनको हमने इंडिविजुअलिज्म का कहा है कि राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म है फॉस्टस के अंदर दिखाई गई। फॉस्टस ने मेडिवल जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, मेडिवल कुछ लिमिट्स थी कि आप लोग ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, फॉस्टस ने उन सब के अगेंस्ट जो है वो रिबेल कर दिया था। फॉस्टस ने उन सब के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट कर दिया था। फॉस्टस ने कहा था नहीं, मैं तो ये करूँगा, मेरे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस एज अ ह्यूमन बींग लगाई गई हैं मैं उन्हें ख़त्म करूँगा। और उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करते हुए फॉस्टस ने आप कह सकते हैं कि डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि उसको वो हर चीज़ अवेलेबल हो, उसको हर वो चीज़ मिले जो कि बाकी इंसान जो हैं वो उनके पास नहीं है या वो हासिल नहीं कर सकते। Decreeing that he must accept his place in the universe without challenging it, means के जो के medieval knowledge या medieval जो आप कह सकते हैं values थी ना, उसमें ये था कि आपको humans को जो place दी गई है, जो उनको एक status दिया गया है, उन्हें वहीं तक रहना है, उसके आगे नहीं जाना। जबकि फॉस्टस जो था वो ये कहता था कि मैं जो हूँ, मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो लिमिट्स मेरे ऊपर लगाई गई हैं, मैं इनको क्रॉस करूँगा, मैं तो वो सब काम करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं नहीं कर सकता मैं वो काम भी करूँगा, ठीक है ना। बिसाइड्स द अर्ली डेज बिलीव दैट सोसाइटी इज़ एवरीथिंग, और पहले दिनों में क्या होता था, बल्कि अब भी क्या होता है, हम लोग ये कहते हैं सोसाइटी जो है वो सब कुछ है, सोसाइटी के आगे हम कैसे जवाब देंगे, हम लोगों को कैसे जवाब देंगे, तो वही चीज़ है ना। फॉस्टस ने सब कुछ किया और इस चीज़ को उसने इग्नोर कर दिया कि सोसाइटी जो है वो सब कुछ है या मुझे सोसाइटी को जवाब देने हैं, ठीक है। फॉस्टस ने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि अगर फॉस्टस ये सोचता कि मैंने लोगों को जवाब देने हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स को जवाब देने हैं, मैंने अपने नेबर्स को जवाब देने हैं, तो वो भी कभी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाता, क्योंकि ये वो चीज़ थी जो आम ह्यूमन बींग नहीं कर सकता। फॉस्टस ने अपने इंडिविजुअलिज्म दिखाई हमें और फॉस्टस ने वो काम किया कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट गया, जो उसको वैल्यूज़ बताई गई थी मिडिवल, एक जो मिडिवल पीरियड था उसकी जो वैल्यूज़ थी, फॉस्टस ने उनके अगेंस्ट किया, फॉस्टस ने उनके जो है रिबेल किया उनके खिलाफ, ठीक है ना। लेकिन वो उसने किया, वो उसने वही किया जो वो खुद करना चाहता था, उसने हर चीज़ को इग्नोर कर दिया, उसने वो किया जो वो खुद करना चाहता था। My happiness, my concept, my peace did not mean anything before family and society. क्यों,
उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि असल में अगर हम ये देखें कि सोसाइटी क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग ये देखकर क्या इग्नोर कर रहे होते हैं, हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि हमारी अपनी खुशी किस चीज़ में है, हमारी अपनी सोच क्या है, और हमारा अपना आराम किस चीज़ में है, हमें सुकून किस चीज़ से मिलेगा। अगर हम इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो हमने अपनी ज़िंदगी तो नहीं गुजारी ना। हमने तो जो हमारे ऊपर लिमिट्स लगाई गई थी, जो हमारे ऊपर एक चीज़ थोप दी गई थी, हमने उसको फॉलो किया और वही काम किया। जबकि फॉस्टर्स ने इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट काम किया। फॉस्टर्स ने क्या किया, उसने कहा कि मैं जो हूँ अपनी खुशी देखूँगा, अपनी सोच को फॉलो करूँगा और अपना आराम और सुकून देखूँगा कि मुझे किस चीज़ में सुकून हासिल हो रहा है, और मैं फैमिली को और सोसाइटी को नहीं देखूँगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो थी ये उसकी इंडिविजुअलिज़म शो कर रही है, उसको सेपरेट कर रही है बाकी सोसाइटी के मेम्बर्स से, उसे सेपरेट कर रही है बाकी जो पीपल हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो कि उसके साथ उसी एज में उसी टाइम पीरियड में लाइफ स्पेंड कर रहे थे। बट ड्यूरिंग रिनाइसेंस दीज थिंग्स बिकम फर्स्ट प्रायोरिटी एंड लव फॉर वन अनदर हैज़ इंक्रीज्ड। अच्छा, अब क्या होता है, अब एक तो वो दो पीरियड्स दिखाए गए ना, जिस तरह एक कदीम ज़माना दिखाया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट टाइम पीरियड दिखाया जाता है, तो यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि मेडिवल जो पीरियड था उसके क्या कंसेप्ट थे। मेडिवल पीरियड के कंसेप्ट थे कि मेरी खुशी, मेरी सोच और मेरा सुकून जो है वो कुछ नहीं है, सब कुछ फैमिली है और सोसाइटी है। जबकि रिनाइसेंस में क्या था, रिनाइसेंस में ये था, रिनाइसेंस कहता था कि सब कुछ मेरी खुशी है, सब कुछ मेरा कंसेप्ट, मेरी खुशी और मेरा सुकून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके बाद जो है जो फैमिली और सोसाइटी है वो बाद की बातें हैं। तो लोगों को ये लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे ना कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने सुकून के बारे में, अपनी सोच के बारे में, तो क्या होगा, लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मेडिवल एज में ऐसा सोचा जाता था, लेकिन रिनाइसेंस में जब लोगों ने यही करना शुरू कर दिया कि सब लोग अपनी खुशी के बारे में, अपनी सोच के बारे में और अपने आराम और सुकून के बारे में सोचते थे और वैसे ही काम करते थे, तो लोगों का एक दूसरे के लिए जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, वो बढ़ी। डिक्रीज़ होने के बजाय, लोग एक दूसरे से दूर होने के बजाय इंक्रीज़ हो गई, कि लोग एक दूसरे के करीब आ गए, लोग एक दूसरे से मोहब्बत दिखाने लगे, लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगे। ठीक है, और अब इससे पता चलता है कि फॉस्टर्स ने अपने वक्त में एक मॉडर्न व्यूज़ को फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजारी, यानी कि मिडिवल एज में फॉस्टर्स को रिनाइसेंस के व्यूज़ फॉलो करते हुए दिखाया गया है मार्लो से। मार्लो ने दिखाया है कि फॉस्टर्स ने जो व्यूज़ फॉलो किए थे, यानी कि आप देखें ना, मार्लो ने जो हमें व्यूज़ दिखाए हैं वो मिडिवल एज के हैं, मिडिवल एज के थे, लेकिन फॉस्टर्स ने उन सब को फॉलो नहीं किया, और फॉस्टर्स ने जो रूल्स फॉलो किए हैं वो तमाम के तमाम जो रूल्स हैं वो हैं रिनाइसेंस के। यानी कि फॉस्टर्स जो था वो एक ऐसा इंसान था जो कि फ्यूचर में ज़िंदगी गुजार रहा था, हालांकि वो सब कुछ अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ कर रहा था, हालांकि उसका जो एंड होता है वो बहुत बुरा दिखाया जाता है, लेकिन जिस तरह से वो लाइफ अपनी स्पेंड कर रहा होता है, जिन रूल्स को वो फॉलो कर रहा होता है, जिन वैल्यूज़ को वो फॉलो कर रहा होता है, वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो फ्यूचर की थी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि फॉस्टर्स जो था उसने इंडिविजुअलिज्म दिखाई है, उसने अपने बारे में, उसने अपनी सेल्फ को जो है वो सेल्फ रिलायंट था, वो जो था वो अपने बारे में सोचता था, वो जो था वो आप कह सकते हैं कि अपने बारे में उसको जो है अपनी एक सोच दिखाना चाहता था, वो अपनी एक सेल्फ शो करना चाहता था कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, ह्यूमनिज़म जिस तरह कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ह्यूमनिज़म क्या होता है, ह्यूमनिज़म होता है जब आप लोग एक रेशनल जो है वो थिंकिंग के तहत ह्यूमंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, इंस्टेड के आप डिवाइन्स और जो सुपर नेचुरल मैटर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दें, मीन्स के ह्यूमंस बींग्स की, ह्यूमंस की लाइफ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इट इज़ कंसीडरिंग वैल्यू ऑफ वर्ल्डली लाइफ, वही बात है कि ह्यूमंस की लाइफ की जो वैल्यू है, जो दुनिया में लोग रहते हैं उनको वैल्यूएबल समझा जाता है, उनको वैल्यू दी जाती है, ये थी ह्यूमनिज़म। और अगर हम लोग मिडिवल लिटरेचर में देखें कि मिडिवल लिटरेचर में जो रिनाइसेंस में एक मूवमेंट आई थी, कल्चरल मूवमेंट, जिसे ह्यूमनिज्म कहा गया था, तो उसमें क्या था, उसमें जो स्कॉलर्स थे वो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग जो है वो मिडिवल स्कॉलर, वो जो थे वो टर्नड अवे हो गए थे वो मिडिवल स्कॉलरिज्म से, या मिडिवल जो लिटरेचर था, स्टाइल था, सब्जेक्ट मैटर था उससे, और दे स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया था जो एंशियंट ग्रीक थे, रोमन थे, उनके जो लिटरेचर था, उनका जो सब्जेक्ट मैटर था, उनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था उस चीज़ में, तो वो है रिनाइसेंस की मूवमेंट जो थी, जो कि जिसे ह्यूमनिज़म का नाम दिया गया था। ठीक है ना, तो मैंने आपको ह्यूमनिज़म दोनों तरह से बता दिया,
बाय वर्ड ह्यूमनिज्म का क्या मतलब होता है, और अगर हम ह्यूमनिज्म जो एक मोमेंट आई थी रिनाइसेंस में उसको देखें तो वो क्या है, और ह्यूमनिज्म क्या है, ये एंटी मेडिवल एलिमेंट था, यानी कि ह्यूमनिज्म को मेडिवल लिटरेचर में और मेडिवल जो सोसाइटी थी उसमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ह्यूमन की जो एक लाइफ है, ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन की वैल्यू जो थी उसकी कोई, मतलब ह्यूमंस की कोई वैल्यू नहीं थी मेडिवल लिटरेचर में, मेडिवल में, या जो एक ह्यूमनिज्म या ह्यूमैनिटी समझी जाती है, जो एक इंसानी जान की एक वैल्यू समझी जाती है, उसकी एक मींस के एक चीज़ समझा जाता है कि इंसान है और उसकी ज़िंदगी है और उसे अपनी लाइफ जीने का हक हासिल है, इस चीज़, इस तरह की कोई थिंकिंग ही नहीं थी। तो ह्यूमनिज्म जो था वो एंटी मेडिवल एलिमेंट समझा जाता था, कंसीडर किया जाता था, क्योंकि मेडिवल लिटरेचर में ह्यूमनिज्म या ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया गया, इस चीज़ पे इतने एक लाइट डालना, इसको टू ब्रिंग इन टू द लाइट, उसको रोशनी में लेके आना या उसको दिखाना किसी को, तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ था मेडिवल लिटरेचर में। मेडिवल लिटरेचर फोकस ऑन अबाउट यू हैव टू प्रिपेयर आफ्टर द अर्थली लाइफ। तो मेडिवल लिटरेचर जो था या मेडिवल जो सोसाइटी थी उसका फोकस किस चीज़ पे था, कि आपको मरने के बाद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसको छोड़ दें, जो कुछ आपके साथ हो रहा है इसको छोड़ दें, आपका जो फोकस होना चाहिए, आपने जो काम करना है वो ये है कि आपके साथ मरने के बाद क्या होता है, और मरने के बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो असल ज़िंदगी है, और उसके लिए आपने ख़ुद को तैयार करना है। तो इस तरह से जो वही बात है कि जो आप लोग चर्च और जो पोप थे, चर्च के जो लोग थे, वो जिस तरह से लोगों को इस्तेमाल कर सकते थे, जिस तरह से वो जो है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जो है वो अपने हाथ में पावर रखने के लिए जो है सब कुछ रिलीजियस दिखाते थे, कि हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन के तरीके से ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन असल में वो कर क्या रहे थे, वो जो थी सारी की सारी पावर जो है उसको मिसयूज़ कर रहे थे। ठीक है ना, स्पिरिचुअल लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ह्यूमन लाइफ। वही बात है कि स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन लाइफ। जो आपकी इंसानी ज़िंदगी है तो कुछ साल की ज़िंदगी है, ये तो ख़त्म हो जाएगी, तो आपको जो फोकस करना है, जो आपको इंपॉर्टेंस देनी है, वो आपको ये देनी है कि मरने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी और आपको उसमें क्या क्या कुछ मिलता है, और उसके लिए आपको ख़ुद को तैयार करना है। सो पीपल फॉरगॉट टू गिव वैल्यू टू ऑफ अर्थली लाइफ। तो जिसकी इन दोनों चीज़ों की वजह से कि लोग कहते थे बस अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करो, अपने आपको जो है तुम्हें जो कुछ वहाँ मिलेगा वो असली ज़िंदगी होगी, और ये जो है ये तो सिर्फ हमारी जो है एक इम्तिहान है, इस तरह की बातें होती थी। और जो उस इन दोनों पॉइंट्स की वजह से, ये जो हमारा मेन पॉइंट था कि हम ज़िंदगी गुजारते कैसे हैं और जो हम अर्थ के ऊपर जो कुछ करते हैं या हमें जो कुछ मिला है उसके बारे में हम लोग जो हैं सोचते ही नहीं थे, वो जो लोग थे मेडिवल लिटरेचर के लोग वो इस बारे में नहीं सोचते थे, और रिलीजन जो था उसको मिसयूज़ करती थी चर्च अपने फ़ायदे के लिए, और जो पीजेंट्स थे और जो आप कह सकते हैं कि जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, जो लोअर स्टेटस के लोग थे, उनको जो है एक्सटॉर्ट करती थी उनसे चीज़ें, और जो है इस तरह से ना मिसयूज़ करती थी चर्च जो है रिलीजन को। ड्यूरिंग रिनाइसेंस पीपल बिगेन टू वैल्यू लाइफ। लेकिन रिनाइसेंस में क्या होता है, ह्यूमनिज्म की मूवमेंट आती है और जो लोग होते हैं उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि हमें जो है वो अपनी अर्थली लाइफ को भी सही तरह से गुजारना है, हमें इसे भी वैल्यू देनी है, हमें इसे भी कंसिडर करना है। दिस नॉन ह्यूमन कंसेप्ट प्रायोरिटी फर्स्ट दैन रिलीजन कंसेप्ट। अच्छा, अब ये जो रिनाइसेंस की जो मूवमेंट थी उसे क्या कहते, मतलब उसका फोकस किस चीज़ पे था, उसका फोकस इस चीज़ पे था कि पहले हमने जो ह्यूमन कंसेप्ट है, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, जो हमने यहाँ दुनिया में गुजारनी है, जो हमारी अर्थली लाइफ है, हम इसको प्रायोरिटी देंगे, देन हम रिलीजियस कंसेप्ट को प्रायोरिटी देंगे कि बाद में हमारे साथ क्या होता है। ठीक है ना, यानी कि हम लोग पहले ये ज़िंदगी गुजारेंगे, हम लोग अपनी ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे, एज़ कम्पेयर टू जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है या जो हम मरने के बाद हमारे साथ जो हमें रिलीजन में बताया जा रहा है वो होता है उसके। ये मेडिवल लिटरेचर की बात हो रही है, ठीक है, और रिनाइसेंस की। तो आप यही माइंड में रखें कि हम रिनाइसेंस की और मेडिवल लिटरेचर की उस टाइम की सोसाइटी की बात करें, इस्लाम की इसमें कोई बात नहीं हो रही। ठीक है ना, तो लोग यही कहते थे कि हम जो हैं वो रिलीजन के तहत अपना कंसेप्ट जो है लाइफ का वो कैसा होगा, किस तरह से होगा, वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोगों ने जो ज़िंदगी गुजारनी है वो हम इस दुनिया
दुनिया में देखेंगे कि हम कैसे गुजार सकते हैं और किस तरह से इसे बेहतर बना सकते हैं। और डॉक्टर फॉस्टर्स जो है इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें यही दिखाया गया है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स था वो अपनी सोल को सेल कर देता है टू लूसीफायर इन एक्सचेंज फॉर 24 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट सर्विस फ्रॉम मेफिस्टोफेलीस। यानी कि डॉक्टर फॉस्टर्स अपनी मर्जी करता है और वो कहता है कि मैं ज़िंदगी जो है वो दुनिया में अच्छी तरह से गुजारूँगा, हर चीज़ हासिल करूँगा, नॉलेज गेन करूँगा, अपनी अथॉरिटी अपनी पावर जो है वो देख रखूँगा और गॉड बनने की कोशिश कर रहा था वो ये सब कुछ करके। और वो कर क्या रहा था, वो जो है वो रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा था, वरना वो कभी भी अपनी जो सोल है उसको डेविल को सेल ना करता। वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था कि दुनियावी ज़िंदगी मैंने किस तरह से अच्छी तरह से गुजारनी है। और इसके लिए वो क्या करता है, अपनी सोल को सेल कर देता है लूसीफायर को। और उसे एक्सचेंज में क्या मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट में उसे ये मिलता है कि 24 जो ईयर्स थे उसकी लाइफ के वो कॉन्स्टेंट सर्विस लेता है मेफिस्टोफेलीस की, उसकी पावर को यूज़ करता है। By giving value, earthly life, he supported Renaissance period. और क्योंकि ये जो हमारा डॉक्टर फॉस्टर्स का प्ले है इसमें जो है वो मेडिवल वैल्यूज़ नहीं दिखाई गई, इसके अंदर दिखाई गई है रिनाइसेंस वैल्यू, यानी कि वो चीज़ जो अभी आई भी नहीं थी, इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी, हमारे जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं उन्होंने वो कंसेप्ट दिया, उन्होंने उस चीज़ को अपने प्ले में शो किया। यानी कि हम प्ले में जब ये चीज़ दिखाई गई उस टाइम तक ह्यूमनिज़म का ह्यूमैनिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि मेडिवल लिटरेचर था, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आई तो रिनाइसेंस और जो ये ह्यूमनिज्म जो ह्यूमनिज्म जो मूवमेंट है ये तो बाद में हुई। तो इसलिए कहते हैं कि जो मार्लो था वो अपने वक्त से आगे था। और ये जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स, इसके अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो भी एक किस्म की आप कह सकते हैं कि फ्यूचर के बारे में, या फ्यूचर से चीज़ें, मार्लो जो था वो इतना इंटेलिजेंट था या इतना वो आप कह सकते हैं कि कीन था कि उसने देख लिया था कि जो सोसाइटी की टर्न है वो कहाँ जा रही है, और उसने उसी चीज़ को पोर्ट्रे किया था। और वो चीज़ें जो कि अभी हुई भी नहीं थी वो होनी थी या इन प्रोसेस थी, मार्लो ने वो चीज़ें अपने प्ले में दिखाई थी। रिवोल्ट अगेंस्ट चर्च और पोप, ये वही बात है कि जब आपको चर्च एक ही चीज़ बार बार कही जा रही है, पोप एक ही चीज़ कही जा रहा है कि रिलीजन देखो, रिलीजन आपको ये कह रहा है, रिलीजन आपको वो कह रहा है, तो एक उसका रिवोल्ट तो होना ही था, उसके अगेंस्ट जो है वो लोगों ने खड़े होना ही था, स्टैंड लेना ही था, ठीक है ना। वो भी तब जब आप देखेंगे चर्च तो जो है वो लविश ज़िंदगी गुजार रही है, चर्च के जो लोग हैं वो तो बहुत, उनके पास तो सब कुछ है, और जब पीजेंट्स की और आम लोगों की बात आती है तो क्या बात होती है, तब ये बात होती है कि आप लोगों जो हो रिलीजन के तहत ज़िंदगी गुजारो, आप लोग जो हो अपने आने वाली लाइफ को देखो, अर्थली लाइफ को ना देखो, ठीक है ना। आर्म्ड विद हिज न्यू पावर्स एंड अटेंडेड बाय मेफिस्टोफेलीस, फॉस्टर्स बिगिंस टू ट्रैवल। अच्छा, होता क्या है यहाँ पे, अब हम प्ले को डिस्कस करेंगे कि रिवोल्ट किस तरह होता है अगेंस्ट चर्च और पोप के। जब मेफिस्टोफेलीस जो है वो अपनी तमाम की तमाम पावर्स जो हैं वो डॉक्टर फॉस्टर्स को सर्व करने के लिए यूज़ करता है, तो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ शहरों को, जिसको वो कभी घूमना चाहता था, जिनको कभी वो देखना चाहता था, उन चीज़ों को देखना स्टार्ट करता है। तो ही गोज़ टू द पोप्स कोर्ट इन रोम, तो जो रोम में जो एक कोर्ट है पोप की, जो कि बहुत ही फेमस थी और बहुत ज़्यादा मानी जाने वाली थी, उसकी बहुत अथॉरिटी थी, वो वहाँ पे विज़िट करता है डॉक्टर फॉस्टर्स। और जाता कैसे, अपने आप को इनविजिबल बना के, यानी कि वो जाता है लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आता। और ये किस तरह से हुआ था, ये मेफिस्टोफेलीस की पावर्स थी जो कि वो डॉक्टर फॉस्टर्स को देता है, ठीक है ना। एंड प्लेज अ सीरीज ऑफ ट्रिक्स, और वो क्या करता है रोम में जाके, वो रोम में जाके पॉप के ऊपर उसकी बैंक्वेट कोई चल रही होती है, वहाँ पे वो उसके साथ ट्रिक्स जो है वो मींस आप कह सकते हैं कि एक किस्म की शरारतें वो वहाँ पे जाके करता है, कि वो चीज़ें उठाता है, वो पॉप को तंग करता है, जो चीज़ पॉप खाने लगता है वो उससे खींच लेता है, और चीज़ें जो होती है वो गायब कर रहा होता है, पेयर कर रहा होता है, कुछ इस तरह के जो हैं वो स्मॉल मैजिकल ट्रिक्स जो होते हैं वो वहाँ पर कर रहा होता है डॉक्टर फॉस्टर्स। और ये सब कुछ जब वो कर रहा होता है तो वो जो है वो मेफिस्टोफेलीस की पावर्स को यूज़ कर रहा होता है और ख़ुद को इनविजिबल रखता है। ही डिसरप्ट्स द पॉप्स बैंक्वेट बाय स्टीलिंग फूड एंड बॉक्सिंग पॉप्स एयर्स, और पॉप्स के एयर के ऊपर जो है वो उसको बार बार जो है वो उनको मार्क करता है, मीन्स कि उसको मारने की कोशिश करता है, उनको उसको तंग करता है। इन द मेडिवल पीरियड चर्च इज़ ऑल टू मैन, वही बात है कि मेडिवल जब पीरियड था तो चर्च क्या थी, चर्च के लोगों पर हुक्मरानी थी पॉप की, और जो चर्च में काम करते थे उन लोगों की, और जो लोग वही कहते थे, यानी कि वो लोग जो भी कहते थे ना वो उसको रिलीजन के साथ अटैच कर देते थे कि रिलीजन में ऐसा है।
रिलीजन में ऐसा है, मींस कि अपनी मर्जी करते थे और फिर अपना फ़ायदे की बात करते थे और फिर शो करते थे कि रिलीजन में ऐसा है। दे डिस्क्रिमिनेट जनरल और पुअर पीपल, वही बात है कि वो जनरल और जो आम लोग होते थे और जो गरीब लोग होते थे उसके ख़िलाफ़ जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनको उनके साथ जो है आप कह सकते हैं बुरा सलूक करते थे। और जो वेल्दी और गॉर्जियस लाइफ वो स्पेंड करते थे वो जो है आप कह सकते हैं कि वो ख़ुद वही बात होगी जो मैंने आपको पहले भी कही है कि चर्च जो है ख़ुद तो एक वेल्दी और गॉर्जियस और लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करता था, हर चीज़ वहाँ उसके जो लोग होते थे उनके पास होती थी, मौजूद होती थी, वो उसको यूज़ करते थे। लेकिन जब जनरल लोगों की, पुअर लोगों की, पीजेंट्स की बात आती थी तो फिर उनको सिखाया जाता था कि आप रिलीजन फॉलो करो, आप इस लाइफ को छोड़ दो, आप अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचो और उसको आप फॉलो करो, ठीक है ना। तो जब ऐसा होता था तो आखिरकार रिनाइसेंस आया, ह्यूमनिज्म हुई, लोगों ने जो है वो उनको अवेयरनेस मिली कि उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी के बारे में भी सोचना है, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। तो इस वजह से फिर उन्होंने क्या किया था, फिर रिवोल्ट हो गया था चर्च के अगेंस्ट, पॉप के अगेंस्ट, और जो रिनाइसेंस है गिव देम अ गुड लेसन, मीन्स के रिनाइसेंस में जो है वो चर्च की जो अथॉरिटी थी वो बहुत हद तक जो है वो कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। अप्रिशिएशन या अप्रिशिएट ऑफ ब्यूटी एंड, यहाँ पे अप्रिशिएट ब्यूटी एंड आर्ट कर लें आप, ऑफ ख़त्म कर लें, ठीक है ना। अप्रिशिएट ब्यूटी एंड आर्ट के जो हमारी जो एलिमेंट्स हैं रिनाइसेंस में, उसकी एक एलिमेंट ये भी है कि वो रिनाइसेंस लिटरेचर में या रिनाइसेंस में उस सोसाइटी में ब्यूटी और आर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता था। और अगर आप देखें यहाँ पे इस प्ले में डॉक्टर फॉस्टर जो है वो हेलेन को एज अ मिस्ट्रेस जो है वो बुलाता है, और हेलेन कौन थी, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो जो हेलेन थी वो जो है वो दुनिया की बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। तो डॉक्टर फॉस्टर्स क्या कहता है, आपको याद होगा जब हम मैंने समरी बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक ओल्ड मैन आता है डॉक्टर फॉस्टर्स को रिपेंट करने के लिए कहने के लिए, और बाद में कहता है कि तुम जो हो अपने सिंस की जो गुनाह हैं, जो तुम्हारे गुनाह हैं उसकी सज़ा भुगतोगे। तो वहाँ पर वो दो डिमांड्स करता है मेफिस्टोफेलिस से, एक ये कि उसे हेलेन द ट्रॉय जो है वो एज अ मिस्ट्रेस ला कर दे मेफिस्टोफेलिस, और एक ये कि वो ओल्ड मैन को जो है वो सबक सिखाए। तो फर्स्ट डिमांड तो जो है वो मेफिस्टोफेलिस फौरन जो है वो कंप्लीट कर देता है, पूरी कर देता है, लेकिन सेकंड डिमांड वो नहीं कर सकता ड्यू टू द फेथ ऑफ द ओल्ड मैन। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो अप्रिशिएट करता है ब्यूटी ऑफ हेलेन, ठीक है ना। To become Renaissance, this quality is also important, क्योंकि हम इस प्ले को कह रहे हैं कि ये रिनाइसेंस प्ले है तो इसके अंदर ये क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ब्यूटी एंड आर्ट नाइस एलिमेंट ऑफ रिनाइसेंस एंड फॉस्टर्स ऑल्सो अप्रिशिएटेड, वही बात है कि आर्ट और ब्यूटी दोनों को फॉस्टर्स जो है वो अप्रिशिएट करता है, सराहता है, और उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ कि जब उसे मैजिकल पावर्स मिलती हैं तो फॉस्टर्स वॉन्ट्स हेलेन वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एज अ वाइफ, यहाँ पर वाइफ लिखा हुआ है वरना एज अ मिस्ट्रेस एज अ वाइफ आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, तो होता क्या है कि फॉस्टर्स को जब मैजिकल पावर्स मिलती हैं तो क्योंकि वो भी ब्यूटी और आर्ट को सराहता है जो कि रिनाइसेंस की एलिमेंट्स हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो प्ले है ये रिनाइसेंस प्ले है। तो वो क्या करता है कि वर्ल्ड की जो बहुत ही खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी उसको एज अ वाइफ जो है वो डिमांड करता है, उसको एज अ वाइफ जो है वो कहता है मुझे ये लड़की जो है एज अ वाइफ और मिस्ट्रेस जो है वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है ला कर दो, और मेफिस्टोफेलिस उसकी ये जो डिमांड है वो पूरी करता है। And finally proved that Dr. Foster is a perfect Renaissance hero. और ये तमाम elements जो हैं जो कि Renaissance plays की हैं, जो कि Renaissance की elements हैं, और तमाम की तमाम जो हैं वो Dr. Foster में पाई जाती हैं। तो हम इन्हीं elements की base के ऊपर कहते हैं कि Dr. Foster जो है वो Renaissance hero है, या ये जो play है ये एक Renaissance play है। आप लोगों को मैंने डॉक्टर फॉस्टर्स कैरेक्टर भी पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को सेवन डेडली सिंस के बारे में भी कहा है कि असाइनमेंट बनानी है, मैंने आपको डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो एज आ रिनाइसेंस प्ले भी पढ़ा दिया है। बेटा जितना मैं आपको कवर करवा सकती हूँ मैं आपको कवर करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो प्लेज़ का, किसी भी प्ले का, इसका या इससे पिछले प्ले का होना चाहिए था, या आपको लगता है कि वो आप जब सर्च करें तो वो आ रहा है बार बार और आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप मुझसे पूछें, मुझे कहें, मैं उसके ऊपर भी आपको जो है वो फुल मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, आपको एक उसके ऊपर भी लेक्चर दूंगी, ठीक है ना। डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ रिनाइसेंस मैन, अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स को एज अ रिनाइसेंस मैन देखें तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिनाइसेंस की एलिमेंट्स कंसीडर की जाती हैं, ठीक है ना। तो एक तो हम ऑलरेडी काफ़ी सारी एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर अल्टीमेट नॉलेज, रिनाइसेंस में क्या होता है, रीबर्थ होती है, उसके अंदर नॉलेज की एक
आप कह सकते हैं कि थर्स्ट थी जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर भी पाई जाती है, कि वो क्या डिज़ायर करता है, अल्टीमेट नॉलेज, सबसे ज़्यादा नॉलेज जितना वो कर सके, अनलिमिटेड नॉलेज वो चाहता होता है डॉक्टर फॉस्टर्स। सुप्रीम पावर्स दिखाई हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के कंट्रोल में दिखाई हैं, या उसके पास तो हैं या नहीं है, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स के कंट्रोल में ज़रूर हैं, जो कि मेफिस्टोफेलीज है, जो कि उसकी हर डिमांड जो है वो पूरी करता है। तो सुप्रीम पावर्स भी हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के पास। सेंशुअल प्लेजर ऑफ लाइफ जो ये हेलन को डिमांड करता है, वो उसके प्लेजर्स दिखा रहे हैं लाइफ के, कि वो लाइफ को जो है वो हर तरह से जो है वो भरपूर तरीके से अपनी लाइफ जो है गुजार रहा है डॉक्टर फॉस्टर्स। जिस तरह के लव फॉर ब्यूटी भी दिखाया है जब वो हेलन को डिमांड करता है। रिस्पेक्ट फॉर क्लासिसिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म दिखाई गई है इसमें, क्लासिसिज्म दिखाई गई है जब डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो डिमांड जो है अपने बारे में सोचता है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो तमाम लोगों को फॉलो नहीं करता, बल्कि अपने लिए एक अलग रास्ता चुनता है और उसको फॉलो करता है। देन क्या दिखाया है, देन दिखाया है डॉक्टर फॉस्टर्स का फॉल, तबाही कैसे होती है, डॉक्टर फॉस्टर्स का डूम कैसे आता है, उसकी डिस्ट्रक्शन कैसे होती है। डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ अ प्ले एंड इट्स ऑथर मार्लो एज अ ड्रामेटिस्ट वर बोथ एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द रेनेसेंस स्पिरिट्स। ज़ाहरी बात है डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर जो चीज़ें भी दिखाई गई हैं वो तमाम की तमाम उसके ऑथर क्रिस्टोफर मार्लो ने दिखाई हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो और जो डॉक्टर फॉस्टर्स है, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बॉडीज करते हैं रेनेसेंस की स्पिरिट को। वही बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि मार्लो ने अपने इस प्ले में, डॉक्टर फॉस्टर्स में, वो तमाम चीज़ें दिखाई हैं जो कि अभी हुई भी नहीं थी। यानी ह्यूमैनिटी को देख लें आप, इंडिविजुअलिज्म को देख लें आप, अल्टीमेट नॉलेज की थर्स्ट को देख लें आप, ठीक है, और लव फॉर ब्यूटी को देख लें, लव फॉर आर्ट को देख लें, ये तमाम चीज़ें रेनेसेंस की हैं। लेकिन हमें मिडिवल में, मिडिवल एज में, मिडिवल लिटरेचर में डॉक्टर फॉस्टर्स में नज़र आई हैं जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने डिस्प्ले की हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस है वो डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर डाली है मार्लो ने। इसलिए बोथ मार्लो और डॉक्टर फॉस्टर्स जो हैं ये कंसीडर किए जाते हैं एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द रेनेसेंस स्पिरिट। द प्ले वाज टू रेनेसेंस पीरियड व्हाट मेनी पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट वर इन द 20th सेंचुरी। यानी कि 20th सेंचुरी में जिस तरह के बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे आए जो कि मॉडर्न जो है वो टेक्स्ट कंसीडर किए जाते हैं, जिसके अंदर वो इश्यूज, वो सब्जेक्ट मैटर्स और वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स हमारी जो हैं वो दिखाई गई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ, जो ये आजकल हमारी कोरोना वायरस चल रही है, ये भी तो एक मूवी थी जिसके अंदर दिखाया गया था कि इस तरह से एक वायरस आएगी, या एक सिम्पसन्स को जो एक कार्टून करेक्टर है, कार्टून्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ दिखाई गई है। तो इस चीज़ को मीन्स के जो काम नहीं हुआ गया वो चीज़ जब दिखाई जाए पहले ही, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये देखें जी पहले से ये जो है, ये हालांकि ये पुराने टाइम में प्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये एक मॉडर्न टेक्स्ट है क्योंकि ये मॉडर्न प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा था जो अभी हुई भी नहीं थी। इसी तरह से रेनेसेंस जो है, ये जो हमारा डॉक्टर फॉस्टर्स है, ये जो था ये पुराने टाइम में था, मेडिवल लिटरेचर है, ये मेडिवल टाइम्स में था, लेकिन ये डील कर रहा था रेनेसेंस पीरियड की प्रॉब्लम्स के साथ, या रेनेसेंस पीरियड में जो कुछ होना था वो तमाम एलिमेंट्स जो थी, जो रेनेसेंस पीरियड की एलिमेंट्स थी, वो तमाम की तमाम जो है वो डॉक्टर फॉस्टर्स में हैं। तो इसलिए हम इस तरह के प्लेस को कहते हैं अ टाइड अगेंस्ट टाइम, मीन्स के ये जो है टाइम से आगे हैं, ठीक है, ये वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि टाइम, जो टाइम था उस टाइम में वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने या इन प्लेस में हमें वो चीज़ें नज़र आई हैं। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।